ऑकर साइन प्लेटफॉर्म, जैसे हमेशा हम कहते हैं कि इसका जो फर्स्ट एंड मूलभूत आधार है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन इसका मोटिव है इसका, और इसका कोर है, दैट इज टू एड वैल्यू इन दी ह्यूमन लाइफ। हम लोगों को जो आता है, हम सारी फैकल्टीज को जो आता है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और आपके साथ जो आता है, जो आप लोगों को आता है वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। तो सीखना सिखाने का मंच, सीखते रहो, सिखाते रहो, आगे बढ़ते रहो, जिंदगी को खुशहाल बनाते रहो और एड वैल्यू इन दी ह्यूमन लाइफ। दैट इज द प्राइम मोटिव ऑफ दिस एकेडमी, दैट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ द टुडेज सिनेरियो, आज की दुनिया का, आज के समय का, क्योंकि समय के साथ ये विद्याएं लुप्त होती जा रही हैं, ये धरोहर लुप्त होती जा रही है, ऋषियों का जो ज्ञान है वो घटता जा रहा है, उसमें नाना प्रकार की भ्रांतियां भी बढ़ती जा रही हैं। लोग अपनी तरीके से इसको मॉड्यूल करते रहते हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने कॉमर्शलाइजेशन की वजह से इसका मोटिव, इनका जो रूपांतरण है वो समय समय पर होता जा रहा है, जो कि कुछ आधार पे कुछ चीजों तक शायद सही नहीं भी माना जाएगा। दूसरा, जो ऋषियों के द्वारा जो इतना ज्ञान था उसका तो शायद हम कुछ 0.% भी शायद आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, या आज के युग पे इस टाइम पे शायद 0.% भी अवेलेबल नहीं होगा, जितना बड़ा हमारा संस्कृति थी, जितना बड़ा हमारा ज्ञान था वो जो वैदिक युग था। बट हमारी ये कोशिश है जितना ज्ञान अवेलेबल है उन सब ज्ञान को आपके साथ शेयर करें, आपके पास आए और आप अपने जीवन में उसका फायदा उठाएं, आपके परिवार, आपका सारे लोग आपके साथ जो कनेक्टेड है, और आप इसको आगे फैलाएं, आप भी इसको आगे लेके जाएं, ताकि ये युग 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 चलता रहे और भारत की संस्कृति, भारत देश जो ज्ञान के लिए जो सोने की चिड़िया था वो बना रहे, चलता रहे, वैसे ही आगे बढ़ता रहे। और ये एकेडमी हर समय उन उन ऐसे लोगों को हमेशा मौका देती रहती है, ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर्स को हमेशा मौका देती रहती है जिन्होंने इन विद्याओं पर काम किया है, बट किसी वजह से वो अपनी विद्या को लोगों के सम्मुख नहीं लेके आ पाते, किसी भी वजह से वो उनके साथ ही रह जाती है। तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है उन सब लोगों को तलाशते रहने की, उन डायमंड्स को खोजते रहने की, उन हीरो को खोजते रहने की। जैसे हमारे क्रिस्टल मास्टर हमेशा बोलते रहते हैं कि हम ये एकेडमी डायमंड है, तो मैं कहता हूँ खुद डायमंड है, इसलिए वो एकेडमी डायमंड है। सो हम इस डायमंड को हमेशा खोजते रहते हैं, उनको जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर है, जो लोग काम करते हैं, सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, हैंड होल्ड उनकी प्रैक्टिस है, लेकिन किसी वजह से लोगों के समक्ष नहीं आ पाते या अपॉर्चुनिटी जीवन में नहीं मिल पाती, तो ये सब एकेडमी उनके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी, इसके लिए नए दरवाजे खोलती रहती है। अगला, ये एकेडमी ऑकर्ड साइंस की एकेडमी है। हाउएवर, हमारी कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि ऑकर्ड साइंस के अलावा आज की दुनिया के अंदर जो जो चीजें नई नई रिक्वायरमेंट जैसे आ रही है, समय के साथ चीजें युग बदल रहा है, चीजें बदल रही है, लोगों का जीवन बदल रहा है, जीवन को जीवन के साथ कनेक्टेड चीजें वस्तुएं बदल रही हैं, जैसे डिजिटल युग हो गया, तो कल हमने क्लास किया था डिजिटल मार्केटिंग पे क्लास किया था, इसी तरीके से हमारी एक प्रयास रहता है कि एक नए नए ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स भी आपके साथ आए जो एकेडमी का डायरेक्ट पार्ट नहीं है लेकिन आपके जीवन में शायद कहीं भूमिका अच्छी निभा सके। तो हमारी कोशिश रहती है उन सब लोगों को भी कनेक्ट करते रहने की, ताकि आपको ज्ञान मिले, आपका विकास हो, सबका विकास हो। और उसके लिए हम कुछ ऐसे अपने जो हमारे साथी हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं और उनको आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, ताकि आप उनके साथ कुछ जो आपको अच्छा लगे वो आप गेन करें, जो आपको समझ में आए वो आप रखें। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको जूम पे कहीं और नहीं मिलेंगे। यू मे बी गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की थ्योरी हमारी नहीं है, हम व्हाट्सएप कम्युनिकेशन पे ज्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि व्हाट्सएप तो गूगल भी दे देता है। आप गूगल पे टाइप करो, आपको व्हाट्सएप गूगल आंसर दे देगा, तो वो व्हाट्सएप ही है। आप गूगल पर टाइप करो, गूगल वीडियो आ जाएगी, वो इंटरेक्टिव नहीं होती। एनीथिंग विच इज नॉट इंटरेक्टिव इट इज नॉट ए लर्निंग, इट इज जस्ट एन एकेडमिक, जो हम कर पाए तो ठीक, नहीं तो ठीक। तो वो वाली सब्जेक्ट्स के ऊपर, उस सिस्टम डिजाइन पे हम काम नहीं करते, क्योंकि हमारा पूर्ण विश्वास एक ही है, अपूर्ण नियम हमारा एक ही है। पहला नियम और पहला और आखिरी नियम ये है कि सबसे पहले लोगों से कनेक्ट करें, उनको ज्ञान अर्जित करें दें, वो ज्ञान अर्जित वो करें और हम उनको शेयर करें, ये हमारा पहला नियम है, ताकि लोग सीख सकें, समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें, अपने संबंधियों के जीवन में उतार सकें, देश का, अपना, युग का, सबका भला कर सकें। वो व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं होता, वो फेस टू फेस इंट्रैक्शन के माध्यम से ही हो सकता है। वो फेस टू फेस आज के युग में जहाँ ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती, तो जूम एक ऑनलाइन ऐसा माध्यम है जो घर बैठे बैठे कहीं पर भी किसी से भी कनेक्ट कर सकता है, और उसके माध्यम से जितना हम कनेक्ट कर सकते हैं उतनी हमारी पूरी कोशिश रहती है।